हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह होते ही बॉयल कर लिया है। यहाँ पे एक पोटैटो है जिसको मैंने साथ में बॉयल किया है। तो इस तरह से अगर आप चने बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या किया है अपने पूरे दिन में। आज मैंने गार्डन में अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड की है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये एक बर्ड हाउस है जिसको मैंने एक प्लांटर में कन्वर्ट किया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चने को तड़का। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल और इसमें मैं ऐड करूँगी दालचीनी और लौंग। और यहाँ पे अनियन और लहसुन को मैंने जो ग्राइंडर होती है उसमें ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने, आप चाहो तो प्यूरी बना के ऐड कर सकते हो। और टमाटर के साथ सॉल्ट, ताकि टमाटर जो है जल्दी से पक जाए। और उसके बाद मैं करूँगी हल्दी और मिर्ची ऐड। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। और जब ये अच्छे से तेल को छोड़ दे तब इसमें ऐड करने हैं चने। तो सबसे पहले मैं थोड़े से चने इसमें ऐड करूँगी और इनको अच्छे से मैश कर दूँगी। इससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है। और अभी मैं यहाँ पे जो बॉयल किए हुए आलू और चने हैं उनको मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसका जब वाटर अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा तब तक इसको पकाना है। तो जो कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ ये लोहे की कढ़ाई है, तो इसमें जो ये वाले चने हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी एक पूरा जो बॉयल आ जाएगा फुल, तब तक मैं इसको फुल रखूँगी गैस को। और जैसे ही बॉयल पूरा आ जाएगा उसके बाद मैं इसको सिम पे पकाऊंगी। और सिम पे पकाने के बाद ये कुछ इस तरह के बन चुके हैं। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी। और यहाँ पर छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और रात को फिर से अंधेरी तूफान आया और पूरे जो हमारा घर होता है वो ऐसे ही मिट्टी से भर जाता है। ऊपर से ये बालकनी मैं साफ़ कर रही थी तो आज मैंने वॉश कर दी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं की थी। ऐसे ही झाड़ू लगा देती थी क्योंकि रोज़ अंधेरी ऐसे ही मिट्टी आती रहती है। और मुझे है डस्ट से एलर्जी और इसीलिए अभी मैं ऐसे काम अवॉइड कर रही हूँ। तो जब ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ।
उसके बाद मैंने किया नीचे के पोर्शन की सफाई, झाड़ू पोछा और ये सब जो कि रोज करना पड़ता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, अंदर भी आ गई थी क्योंकि तूफान एकदम से आया। कोई आसार नहीं थे कि बारिश या कोई तूफान आएगा, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। बस जो अंधेरी है बहुत ज़्यादा तेज़ चली थी। मैंने कुछ जो DIYs किए हैं वो भी उड़ के इधर उधर गिरे हुए थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो लस्सी, और इसमें मैंने लिया है दही, मैंगो और चीनी। अब इसको मैं और आटा रात का पड़ा हुआ था तो मैंने उसी की दो तीन यहाँ पे पूड़ियाँ तल ली थी। तो यहाँ पे बन गया है मेरा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। इसके ऊपर मैंने डाल लिए हैं अनियन और साथ में लस्सी। लस्सी बहुत टेस्टी बनी थी। आज का टेस्टी एंड हेल्दी फूड, या कहे तो लंच या ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं लंच ब्रेकफास्ट एक ही साथ करती हूँ। तो मुझे बताओ कि आपको पूड़ी और चने कैसे लगते हैं कमेंट करके, और किस किस को पसंद है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो, और शेयर और कमेंट करना मत भूलें। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।